महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध और उनके दुर्व्यवहार को रोकने के लिए माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा बैठक निर्देशित किया गया कि थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना किया जाए और उसमें महिला अधिकारियों को ही बैठाया जाए ताकि वो महिलाओं की समस्याओं सुन सके। इसी तारतम्य में खुर्जा पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक सभी थानों में जिले के महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। आज चिरमिरी थाना में भी इसकी शुरुआत की गई है और इसके लिए एक अतिरिक्त अलग से कक्ष का व्यवस्था किया गया है जो संवेदना के नाम से इस कक्ष का संचालन किया जा रहा है और यहाँ पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है और इसमें महिला अधिकारी की नियुक्ति की गई है जो महिलाओं के संबंध में होने वाले शिकायतों को और उनके रिपोर्ट को सुनेगी और उसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। कोरिया ज़िले में इस तरह के महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकथाम के लिए और उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक हमारा हेल्पलाइन भी चालू किया गया है 1091 हेल्पलाइन में 24 घंटा चालू रहेगा और इसमें कभी भी कॉल करके कोई भी प्रार्थी या महिला अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है अगर उसके साथ किसी तरह का कोई आपराधिक गतिविधि होता है। इसके अलावा ज़िले में महिला पुलिस वॉलेंटियर भी कार्यरत हैं जो सभी वार्ड और पंचायत में हैं और वो महिलाओं के संबंध में होने वाले किसी भी तरह के गलत कार्य को और किसी भी तरह के उनकी समस्याओं को वार्ड और पंचायत स्तर पर सुन सकती हैं और उससे थाना को अवगत करा सकती हैं। इस तरह हमारे द्वारा पंचायत से और वार्ड से लेकर थाना स्तर तक और जिला मुख्यालय स्तर पर और हेल्पलाइन के माध्यम से एक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है जिससे महिलाएं अपने साथ होने वाले किसी भी तरह के आपराधिक कृत्य को रिपोर्ट कर सकें और उसकी सूचना पुलिस तक पहुंचा सकें। क्या ये सूचना पुलिस तक पहुंचाने के बाद गुप्त रहेगा या महिला कोई चाहती है गुप्त रहे या ना रहे इस विषय पे? देखिए, ये जो महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध हैं और 1091 हेल्पलाइन, इसका मकसद ये है कि जो भी इस तरह के अपराध करने वाले व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। कई मौक़ों पर ऐसा होता है कि महिला के द्वारा सूचना दी जाती है और कि उस व्यक्ति के द्वारा ऐसा ऐसा किया जा रहा है और कोई सार्वजनिक स्थान पर अगर उसके साथ कुछ गलत किया जा रहा है तो, और अगर वो नहीं चाहती है कि उसका नाम उजागर हो तो भी वो नाम उजागर नहीं किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। RBS भारत लाइव टीवी पर खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट दें।